नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात स्कूल शिक्षा मंत्री से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं घर से ही ली जाएंगी। कोरोना के चलते ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। छात्रों को घर पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे और छात्रों को ये कॉपियां स्कूल में जमा करवानी होंगी। बच्चों की सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया गया। इसके अलावा जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, वो भी नहीं ली जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कक्षा 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षाएं 11 अप्रैल से हो रही हैं, तो वहीं प्री बोर्ड परीक्षाएं भी 12 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। क्या परीक्षाएं दूसरे सिस्टम से कराने की तैयारी की जा रही है? ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा सकती है? इसको लेकर हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, उन्हें से जानेंगे। सर, परीक्षाओं को लेकर क्या कोई विचार किया जा रहा है? अभी हमारा जो 9th का और 11th की परीक्षाएं ऑफलाइन होना थी, उसके बारे में हम कुछ परीक्षा की पद्धति बदलने पर विचार कर रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को भीड़ वाले स्थानों पर उन स्कूलों में नहीं आना पड़े, और उसका विकल्प क्या हो सकता है एक दिन में उसका निर्णय करके। सर, ओपन बुक प्रणाली से होगी या फिर ऑनलाइन या घर पर ही उनको ओपन बुक करा सकते हैं? लेकिन ओपन बुक में भी स्कूल में तो आना पड़ेगा ना, इसलिए उसका तो ऑनलाइन के साथ साथ दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। उसमें कोई उनको प्रश्न बना करके घर करने के लाके दे दें, उसका समय दे दे, तो उतने दिन में अलग अलग ग्रुप में आकर के दे दे। उसे विभाग में सारी चर्चा योजना बन रही है, हम उसको तो सर अगर घर पे उनके प्रश्न भिजवाए जाएंगे तो वो कॉपियां वापस स्कूल में आके जमा कर सकते हैं। वही है कि वो अपने प्रश्नों को हल कर करके और ला कर जमा कर दे। तो सर, प्री बोर्ड जो परीक्षाएं वो स्थगित करने की बात अभी चल रही है? हम अभी साल स्थगित करने पर उस पर विचार कर रहे हैं उसको, क्योंकि मैं नहीं करेंगे प्री बोर्ड शायद अभी करने में कठिनाई है। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, जिनका यही कहना है कि इस बार ऑफलाइन की जगह जो कक्षा 9वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं वो ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है, या फिर उनके घर पर ही जो प्रश्न पत्र हैं वो भेजे जाएंगे और उनका आंसर लिखकर जो बच्चे हैं कॉपी स्कूल में भिजवाएंगे। यानी इस तरीके से जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्कूल में ना बच्चों को बुलाया जाए और ना ही ऑफलाइन परीक्षाएं ली जाए। इसको लेकर जो इसी के साथ ही जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं कक्षा 12वीं और 10वीं की, उनको भी स्थगित किया जा सकता है। इसको लेकर भी अब स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपनी हिंदी